दर्शकों पंजाबला चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ उस शख्सियत दे कोल जिन्हां ने सारी जिंदगी सेवा चलाई आ। जदों अमृत छक के उदों कोई साडा जात धर्म नहीं रह जांदी। इत्थे आए अमृत छकाया 250 बंदियां नूं एक दिन च। अगले दिन धुन्नी फिर प्रचार किया उत्थे 100 नूं। दर्शकों पंजाबला चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ उस शख्सियत दे कोल जिन्हां ने सारी जिंदगी सेवा चलाई आ और एक ऐसे इंसान दे ओ पोते ने जिन्हां ने सारी जिंदगी अपने कौम की सेवा की आ। साडी मुराद दा जथेदार तेजा सिंह पुच्चर जी दे नाल जिन्हां ने सारी जिंदगी सेवा की और उन्हां दे पोते रघुवीर सिंह जी पुच्चर जिहड़े साडे नाल अज मौजूद ने जिन्हां ने बड़ियां घालना घालियां उन्हां दे पाए पूरने दे चल के अज समाज नूं नवीं सेध दित्ती है। और तेजा सिंह पुच्चर जी की जिहड़ी याद आ उहनूं ताज़ा रखदे ने। रघुवीर जी स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। पंजाब प्लस चैनल वाले का सदा जेडे चैनल के कत्ता धत्ता ने जेडे कि मैनू हर वेले माण बख्शते रिची जी जिन्हों का मैं देन नहीं दे सकता क्योंकि इन्हों का जथेदार जी नाल शुरू तो इन्ना क प्यार आ कि जदों तो भी बरसियां अहीं पिंड चालू कीतियां ये बिना किसी लालच के साढ़े तक पहुँच करते रहे। ये कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि अपने आप ये उत्थे हाजिर हुंदे आ जिहदे करके मेरा फिर इन्हां नाल अज तक लगाव आ। तो मैं बहुत बहुत धन्नवाद इन्हां दा करदा कि चलो उन्हां दे करके दास नूं भी ये मिलन वास्ते हाजिर होए आ। बहुत बहुत धन्नवाद इन्हां दा महाराज इस तरह इन्होंने चैनल में चढ़ दियाँ कला बख्शे तो इस तरह ये सेवा निभाते रहन। जिस तरीके दे नाल अपना सारा जीवन जड़ा वो इस तरीके गुजारिया कि कौम के दबे कुचले लोगों उन्होंने हमेशा बाँह फड़ी उन्होंने हकों के लिए लड़ाई की और जो वो करके चले गए वो गांह पूरने दे पाते हुए अगे जड़िया पीढ़ियाँ आईया उन्होंने एक नवा इनकलाब जड़ा हैगा हिंदुस्तान दे विच और गुरु ग्रंथ साहब की रक्षा दे लई जिहड़ियां सेवावां हैगियां उन्हां दियां उह इहो जिहियां सेवावां ने जिहड़ियां लोग अज भी याद करदे। वेखो जी इत्थे दुनिया ते चंगे कर्म कीते भी ते माड़े कर्म कीते भी याद रह जाने आ। जिन्हां चंगे कर्म कीते आ उह अज भी इत्थे वडियाई दे पात्र ने उन्हां नूं लोग याद करदे आ ते जिन्हां फिर माड़े कर्म कीते आ वो अज भी भावें वड़े वड़े अहुदियां ते रह गए किन्नी वार मुख्यमंत्री बन चुके आ किन्ना कुछ धन दौलत इकट्ठा कर लिया अज भी वो लानता ही लिखे जा रहे हैं। ये आप अपने कर्मों पर डिपेंड करता जिहो जिहा करांगे असी उस तरह का ही भरांगे। महान शख्सियत दे जीवन के बारे चानना पाओ कि उन्होंने अपनी जिंदगी किवें घालना घालियां और किवें कौम दे लई एक ऐसा छपाई सी हो जिन्हें अपनी कौम दे लई अपनी सारी जिंदगी निशावर करती। इस दा वड्डा कारण जो पिछे है ना जो मैं उन्हां दा जीवन परिवारक मैंबर होने करके स्टडी किया एक तो शुरू तो वो गुरमत विद्या दे माहर सन उहदी वजह करके उन्हां दे विच इन्नी क हिम्मत इन्ना क बल सी एक चंगे परिवार दे नाल संबंध रखदिया होया भी शायद मेरा ख्याल कि मन च सी कि पिंडों निकलन दी क्योंकि पिंड तुसां देखिया कि साडा कि किहो जे जगह ते आ। मेरा ख्याल कि अमृतसर आउणा भी बड़ा औखा जिवें लाहौर भी उन्ना पैंदा उन्ना किधर अमृतसर पैंदा सीगा यानी कि उस खूह दे विच आ जिथों कि मेरा ख्याल कि उन्ना निकलन वास्ते एक वारी ना कि चलो कुछ बाहरला भी देखिए तो उन्होंने फौज की नौकरी अपनाई तो जदों फौज दे विच देखिया उन्हें कि अहीं जिन्ना करके लड़न मरन रहे हैं तो ये साढ़े धक्का करी जाते मेन इन्हां ते असर पिया उदों कामा गाटा मारू जा जिहड़ा सीगा बाबा गुरदत्त सिंह जी सरहैली वालिया इत्थों लेके गए सीगे। हुण उह वेखो उच गनाह की आ सारिया शर्तां पूरियां हो रही उदों ये सीगा कि जिहड़ा सीधा अपने मुल्क चों पहुँच जाए ना उहनूं प्रवान कर लैंदे सी
पर सिखां नूं रोकण वास्ते कि ये ना उधर पहुँचन इन्होंने, क्योंकि वो रस्ता कोई नहीं सीगा, ये कानून बनाया सीगा कि सिख इन्हां पता कि जिथे पहुँच जाते फिर उत्थे ही छा जाते हैं। तो धन ने बाबा गुरदित सिंह सरियाली उन्हां दे साथी जिन्होंने पूरी मेहनत दे नाल अपना घर बार वेच के खाली हो गए से, बिल्कुल जहाज लैना कोई मैना रखा उस टाइम पर जदों कोई पैसे की वैल्यू सी, तो वेखो कि जहाज लेके गए आ उस जहाज से जो उधर भी नहीं तो उतर दिता जे इधर आ गया तो इधर आके गोलियां पिलाईया। यहो जी चीज़ा ने इन्हें असर पाया कि कादे वास्ते अं इन्हां दी नौकरी करते हैं जे साढ़े नाल साढ़े भरावां नाल दुर्व्यहार हो रहा। उधरों उस टाइम तो कंध ढाई हुई सी इन्हां दिल्ली गुरद्वारा साहब की, सड़क सीधी कर उन्हों कोठी दिख देन वास्ते अपनी वायसराय जी नूं, की सी कि ये साडा उल्टा सानू कोई वह बेनीफिट देने की बजाय जिवें दोष लाउंदे सी कि जिहड़े बंदे भी ये कोई काम करदे आ जां सानू रोकदे आ असीं इहदे बदले वेखो किन्ना कुछ दे रहे हैं इन्हां नूं एक कंध ढाउण वास्ते जिन्ना मर्जी लै लो, पर नहीं, गुरु तां सिखो आ, अपने गुरु की निशानी भावें एक फुट आ भावें दो फुट आ उहनूं हिलण नहीं दिंदा। ढाउणा तां बड़ी दूर की गल, ये उस टाइम ते सिंगा इन्हां चीज़ां दे असर हेठ ये नौकरी छड के आ गए कि चलो ठीक है कोई गल नहीं फिर तुहानूं भी देख लैंदे आ, क्योंकि सिंगा दा इक्को काम आ कि जां आर जां पार, उस करके इन्हां नौकरी छड्डती। नौकरी छड के आउंदिआं ही इन्हां नूं फिर एक तां फौज की ट्रेनिंग सी इन्हां कोल, तजर्बा हो गया, जदों एक फौज का तजर्बा हो गया दूजा पैसा कोल बहुत आ, तीजा बाणी कोल आ, तो चौथा आके बाणा पा लिया। हुण जिस इंसान को इन्नियां ताकतां होण तो फिर नेरियां ही लियाऊगा। उस कारण इन्हां ने फिर पहला अपना एक जथा तैयार किया, जथा किहो जिहा जिहदे इक्को जिहे दस्तारे सी, जो आ तुसीं देख रहे ना तस्वीर दे विच इक्को जिहे रंग ते वड्डियां कृपाना हाथ च ते सारे अमृतधारी, एक जथा वो तैयार किया जिहनूं आपां कह सकदे खालसाई जथा। हुण वो खालसाई जथा तैयार करके किया कि पिंड पिंड लोगों लामबंद किया, क्योंकि भाई इदां गल नहीं बनी किन्ना चिर सुते रहोगे, आओ मैं अगे लगदा चलो तुसीं। हुण सवाल की पैदा है, ये जो प्रचार कर कर लोगों जागृत करन रहे सीगे इन्हां दा मेल होया भाई महताब सिंह बीरना 1914 च कित्थे साढ़े पिंडां च, वो है माझे दे आ अपने बकापुर पिंड आ जलंधर लागे उत्थों दे, उधर अमृत छकाउंदे छकाउंदे जदों इधर इलाके च पहुँचे ना तो दो थां तां सौखे लंघ गए, सिदमा पिंड साढ़े लागे ही अपने खालड़े तो देखे होना गए कि नहीं अज तक, उत्थे पहुँचे उत्थे एक किन्ना उन्हां दी बाणी च प्रभाव होगा, पिछों मुसलम पिछोकड़ परिवार आ पर जदों अमृत छक के उदों कोई साडा जात धर्म नहीं रह जाती। इत्थे आए अमृत छकाया 250 बंदिआं नूं एक दिन च, अगले दिन धुन्नी फिर प्रचार किया उत्थे 100 नूं, जदों आ गई वारी पिंड सुर सिंह दी उत्थे उन्हां कहता कि चुको समान डंडा डोरिया ने दे सोधांगे। हुण ये भी वेखण कि बने गई तो हुण उत्थों सुर सिंह दा पुच्छा तुसीं वेखदे किन्ना फर्क आ, सिर्फ 1.5 किलोमीटर का वाद इन्ना होगा। हुण उत्थे आ के जदों जथेदार नूं पता लग गया कि आ गल हो गई आ, ये फिर लेके सिंह अपने पहुँच गया उत्थे, जदों पहुँच गया उत्थे तो किसी की जरूरत नहीं पई कि लागे आउंदी, उत्थे फिर इन्हां नूं पता लगा कि ये जिहड़ा लोग आ ना अमृतधारी आपां जिहड़े बंदे आ इन्हां नूं ना तां खूहां ते चढ़न दित्ता जांदा पाणी भरन वास्ते, क्योंकि वो इक्को एक साधन सी पानी का खूह, इन्हां नूं आखिया जांदा सी तुसीं थल्ले रहो उच्ची कोल दा ओ बंदा ते ओ पानी भर के ते तुहाडे भांड्यां च पाऊगा। अमृतधारियां नूं ही हाँ वो जदों गल उत्थे सारिआं दसी ना कि अमृता ही छकी जांदे आ जिवें अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़, किस फायदा की
कि साडा सत्कार ना जे गुरुद्वारे वड़ जाने तो वो आंदे आओ उत्थे बह जाओ लागे नहीं लगन देंदे। जहेदार ने कहा तो बड़ी माड़ी गल है, चलो खैर जे नवे ने ये पैसे ही वो तो गांव प्रचार करता ही इन्हें फिर उत्थे तैयार किया खालसा बरादरी कारज साधक दल 1914 ते ऑर्नरी सकत्तर बनाया भाई महताब सिंह वीर जी ने, ठीक है ना, बना के तो आप जाके कल्ले कल्ले सिंह खूह ते चढ़ाया आंदा हुण चढ़ो तो पानी भरो फेर बिना किहड़ा डकदा। जिहड़े चौधरी सी ना तुहानू पता कि इन्हां दे पल्ले दा कुछ हुंदा नहीं गा, तो फिर जिते निहंग सिंह ये जवान बड़े सीगे इन्हां दा कद कोई तकरीबन 6.5 फुट तो तुसीं फोटोआं 'च देखिया ही होना वक्रे नज़र आउंदे दूजिआं तों। हुण जदों चढ़ाउणे चालू करते गुरद्वारे 'च वाले कि किहड़ा तुहानू गुरद्वारे वड़न तों डकदा, मतलब इन्हां ने वो जिहड़ी चीज़ जिहड़ा समाज विच वड्डा कलंक सी ना उस टाइम ते कि जिहड़ा साढ़े च ऊंच नीच दा इन्हां खत्म कीता वो खालसा बरादरी दल नहीं, जिहदे करके इन्हां दी चर्चा इलाके दे विच बहुत हो गई सी, यानी कि दुनिया इन्हां नूं मन्नण डै पई सी। दूजा फिर इन्हां वेख्या की है जदों मसला आया ना उहदा द्वार दा गुरुद्वारे दी रकाबगंज दी दिल्ली गुरुद्वारे दा उत्थे ये जिहड़े हैगे सीगे अपने चीफ खालसा दीवान ते सिंघ सभीए इन्हां ने कहता कोई गल नहीं जी असीं समझौता कर लिया उन्होंने अंग्रेज़ां नाल कि तुसीं सानूं जगह होर थां दे दो ते कोई गल नहीं संगत तैयार आ। कि उदों इहो ही आगू सी जिवें अज श्रोमणी कमेटी आ अपने आप नूं गिंदे कि असीं मतलब कौम दे आगू, उतों चीफ खालसा दीवान तो होंदे सी आगू। फिर जहेदार पै गया इन्हां नूं आंदा कि तुसीं मैनूं दसो आगूआं नूं कि सिख जे कि कौन जे, वो सिख तो वह आ जिहड़ा अपनी जिहड़ी चीज़ है गुरु घर की एक भोरा नहीं जान दिंदा, तुहानूं पंथ किहने बनाया। इन्हां फिर तैयार किया सेंट्रल माझा खालसा दीवान 1918 च, ठीक है ना, 1918 जो दीवान तैयार कर लिया इन्हां दा मुकाबला करन। तुसीं देखो कि जिहड़ी प्रॉब्लम आई है उहनूं नाल नाल हल किया है, जे वेख्या कि लोगों नूं सत्कार नहीं मिलदा खालसा बरादरी कर सकदा, जे वेख्या कि हुण ये सरकार दे पक्ष 'च गल करन रहे आ ते अपना दीवान खड़ा करता, मतलब आप जमीनी पद्धर ते काम किया लोगों 'च समाजिक आर्थिक ते धार्मिक तिना पक्षों तो लोगों नूं कायम किया कि वह भाई आपां एक आ सानूं समाज दो नहीं गिंदा, समाज ने टोटे करते साढ़े पर आपां एक परिवार दे। हुण उस तों बाद जदों वेख्या ना कि 1919 जल्लियाला कांड होया इहनूं देता अपने नूं सरोपा अडवायर नूं दिता किन्ने सरबरा रूड सोने जिहड़ा कांग इहदा अंग्रेज़ां थापिया सी, जथेदार ने फिर 1919 जो उत्थे एजीटेशन पहली कीती आ, पहली एजीटेशन वो करके उत्थों फिर इहनू अस्तीफा देन वास्ते मजबूर किया रूड़सो नू। तुसीं देख लो कि किन्नी क हिम्मत हो, किन्नी क दुनिया नाल हो, किन्ना संगत दा कट्ठ हो, अंग्रेज़ां दा राज होवे उहदा लाया सरबरा ढाउणा सौखी गल सी, इह पहली जित सी सिंघां दी जिहड़ी कि इहनां प्रमाण कीती आ। जदों ये हो गया ये तो बाह लाता सुंदर सिंह रामगढ़िया मतलब सरबरा इन्होंने, चलो जी गल निबड़ गई। हुण 1920 दा समा आ गया, 1920 पहला इन्हां वो जिहड़ी कंध ढाई हुई सी ना ये अंग्रेज़ मुकर गए पहला इन्हां वेखा उदों लग गई जंग कि चलो कोई गल नहीं टाइम लंघ गया। इन्हां भर्ती चालू की जहेदार ने 1920 दे विच तरन तारण साहिब गुरद्वारे च, अज कढ के वेख लो नैट ते उत्थे भर्ती उत्थे ने शुरू कीती आ उहनूं बनाउण वास्ते कि आ जाओ भाई शहीदी जथे जिन्हें भर्ती होने। इन्ना क लोगों का सहयोग मिलया अंग्रेज़ सरकार नूं उत्थे बैठे इन्हां नूं पता खबरां इनको होंदियां कंध बनाउणी पै गई। वेरी गुड, मतलब ये दूसरी जित हो चुकी ही पंथ की, जदों कि अज जिहड़े गांधीवादी आ जिहड़े कहिंदे कहिंदे अज साडा आजाद होया मुल्क ये पता किनू आंदा पहली आजादी ज
ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਠ ਫੈਸ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲਾਲਾ ਲਾ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਕਲਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ, ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਭੈਣ ਮਿਲੀ ਆ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 1947 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੰਤ ਕੱਢੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਬਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਫੀਸ ਕੋਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾੜ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੈਂਪ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨਗੜ ਥੰਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਹੇਦਾਰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਹੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਜਥਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ 1500 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭਰੋ, 5 ਜਣੇ ਭੱਜੋ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਦਾਂ ਖੜਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, 1000 ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਚਲਕਾ ਤਾਂ ਭਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਚਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਛੱਡਣੇ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਛਡਾਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਇਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਠੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ 10, 11 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 20 ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਹੇਦਾਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਚੂੜਕਾਨਾ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਖੁਸ਼ਾਲਪੁਰ ਕੋਠੇ। 11 ਨੂੰ ਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੇ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਝੱਬਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਤ ਭਜਾਏ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਾਣ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਰ ਆਓ ਬਾਈ ਖੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ,
हुण उत्थे कट्ठे हो गए ते इहना अपने अगे वो दिन तो लेके अज तक जिहड़ा साडा संघर्ष चल रहा पंजाब दा किन्हां नाल एक पासे हैगा इस सरमाएदार गांधीवाद नहरू ये सारा दूसरे पासे खालसा चढ़दी कला जिहा अज तक चल रहा चलता रहना है क्यों कि पंजाब ना हिस्सा हैगा है भारत का तो ना उन्हें रहना है संघर्ष भावें साडा जिन्ना चिर मर्जी लम्मा चले वो चलता रहना है जे होर इस तों इलावा कुछ जानकारी चाहिए है तो वह बाकी जो तुम लम्मा टाइम जिन्ना मर्जी मेरे ना लै लो मेरा ख्याल है कि साडा समा मुक जूगा उन्हां दा इतिहास नहीं मुकदा यह तो सिर्फ तुहानू शुरुआत दसी आ अजे इतों लेके 39 तक 19 साल आपां अगे पहुँचना होने तो गल तुसीं पुछो की चाहुंदे साल की तरह इस साल भी बरसी का समागम जिहड़ा बड़ी श्रद्धा सत्कार नाल मनाया जा रहा वो लोग जिहड़े दबे कुचले लोगों जिन्हां नूं इंसाफ दवाया जिन्हां लोगों की आवाज़ दे विच वास मलाई तेजा सिंह पुछर जी ने और उन्होंने बराबर के दर्जे दिलाए अज कोई जिहड़ा बंदा सिख है जिहड़ा बंदा अमृतधारी है उहदे नाल कोई वितकरा नहीं है किसी का उहदा मान सन्मान हुंदा और उस मान सन्मान नूं जिन्हां ने बरकरार रखाया सरदार तेजा सिंह जी पुछर अपनी जिंदगी दे के और अपने लामबंद करके लोगों नूं उन्हां दी बरसी दे उत्ते सारी कौम नूं जो भी पंजाब हरियाणा हिमाचल कनेडा दे विच या किसी भी देश बैठे इस प्रोग्राम नूं या अपने प्यारे तेजा सिंह पुछर जी दे देखण दे जिहड़े इशक ने उह जरूर उस डेटा च पहुँचन बाई जी किस जगह दे कि आपां उन्हां दी बरसी मना रहे हैं कदों मना रहे 14 अस्सू नूं हर साल की तरह खंड पाठ रखे जाएंगे पिंड भुचर च ते 16 अस्सू नूं भोग पाए जाएंगे इहो ही हर साल उदा वैसे अहीं डेट जिहड़ी 3 अक्तूबर पक्की फिक्स कीती हुई सी पर कुछ प्यारियां जिहड़े उन्हां नाल प्यार करन वाले आ सेवक आ पिंड वाले आ उन्हां दे कहन मुताबक कि जिन्नियां बरसियां पिछे मनाईयां जांदे रहियां अस्सू देसी मिजन नाल मनाईयां जांदियां रहियां असीं इसे करके इस तरह ही मनाउणे पिछली वार भी साडी 2 अक्तूबर नूं बनी सी ऐरकी भी जो डेट बनूगी 16 अस्सू नूं उस दिन इस दिन मनाया जाएगा रागी ढाडी कविछरी जत्थे सारे महापुरख सारे कौम नूं प्यार करन वाले पहुँचणगे गुरु दे टुट लंगर बरताए जाणगे और रघुवीर जी जिहड़े साडे नाल बैठे ने उन्हां दे ग्रैंडसन ने और इन्हां दे होर जिहड़े परिवारक मैंबर भी उत्थे और सारा पिंड क्योंकि भुचर पिंड सारा जिहड़ा हैगा उह नकमस्तक हुंदा उस महान इंसान नूं तेजा सिंह भुचर जी नूं और सारा पिंड भी जिहड़ा हैगा हुणे तों ही कमर कसी जांदा हैगा 1.5-2 महीने रह गए आ और बाई जी भी आप भी जिहड़े हैगे आ पिंड जा के हुण गेड़ा मारनगे देखणगे फिर और सारा उत्थे सफाई सफुईयां करा के और वधिया तरीके दे नाल इस बार भी बरसी मनाई जाऊ जिथे भी कोई सुन रहा मेरी हाथ जोड़ के बेनती है क्योंकि कौम वास्ते उन्हां अपना 25 साल का समा पल पल सारा कुछ त्याग के अपना परिवार अपना धन दौलत सब कुछ त्याग के पंथ दे लेखे लाया देश दे लेखे लाया तो मैं बेनती करदा कि उस दिन हर एक नूं पहुँच के खुशियां लैनियां चाहीदियां गुरु महाराज की हाई च उन्हां नूं इहो ही श्रद्धांजलि सच्ची होगी जिहड़ा उन्हां दे समागम ते पहुँच के उन्हां नाल प्यार करूगा ते उन्हां नूं माण बख्शूगा मेरी इहो हाथ जोड़ के बेनती है क्योंकि अज लोड़ आ सानूं इकट्ठियां होण दी ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਜਾਚਕਿਆਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।